नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की स्वीट रेसिपी है मैंगो पैनकेक। आप इसे मीठा चीला भी बोल सकते हो, आम का चीला या मालपुआ भी कह सकते हो आम का। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके लिए मैंने एक बादाम आम लिया हुआ है और एक कटोरी मैंने ये बारीक वाली सूजी ली हुई है। इसे भुना हुआ नहीं, कच्ची ही है ये। और लगभग 150 ml मैंने दूध लिया हुआ है। ना ये ठंडा है ना गर्म है, रूम टेम्परेचर पर है ये। और लगभग 7 से 8 इलायची का मैंने ये पाउडर बना लिया है। और मैंने ये बादाम लिए, आप काजू भी ले सकते हो, क्योंकि एक स्वीट रेसिपी है उसमें ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हो। और लगभग एक ज़्यादा घी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लगभग 1 से 2 चम्मच देसी घी ले सकते हो। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप ऑयल से भी बना सकते हो, लेकिन स्वीट रेसिपी अगर देसी घी में बनाई जाए तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और एक कटोरी करीब मैंने ये चीनी ली हुई है, क्योंकि आम तो मीठा हो गई रहते ही, और हम इसमें सूजी डाल रहे हैं तो थोड़ा सा मीठापन कम हो जाएगा। इसलिए आप पसंद के अनुसार चीनी ले सकते हो। लगभग मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ चीनी ली हुई है। तो शुरू करते हैं बनाना मैंगो स्वीट पैनकेक। बनाने के लिए सबसे पहले हमें आम की एक प्यूरी तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम आम को छीलेंगे और उसके छोटे टुकड़े कर लेंगे, ताकि अच्छे से एक पेस्ट तैयार कर लें। ये मैंने छोटे पीस करके मिक्सर जार में डाल दिया है, और इसमें मैं ये चीनी डाल दूंगी और इसमें इलायची भी डाल दूंगी। और अब मैं थोड़ा दूध डाल के, देखिए मैंने इसमें मलाई ली है, क्योंकि स्वीट रेसिपी में मलाई अच्छी लगती है, तो मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया और एक अच्छा पेस्ट तैयार कर लेते हैं इसका। अगर आपको आम के साथ में दूध नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह पानी भी ले सकते हो। ये देखिए आम की बहुत ही अच्छी प्यूरी तैयार हो गई है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। और इसमें ये सूजी डाल देंगे। ये देखिए मैंने इसमें सूजी डाल दी है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। जिस तरह एक नॉर्मली हम चीला बनाने के लिए एक बैटर तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें बैटर तैयार करना है। और क्योंकि इसमें सूजी डली हुई है तो ये फूलेगी, तो हम इसे ये बैटर तैयार करने के बाद कम से कम 1 घंटे के लिए रखेंगे। अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हो, तुरंत बनाना चाहते हो, आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। इससे एक बहुत ही अच्छा फ्लफीनेस आएगा पैनकेक में, बहुत ही अच्छा दिखेगा वो। पर मैं सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर किसी का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा, अभी गाढ़ा है ये थोड़ा, तो थोड़ा सा मैं इसमें दूध डालूँगी। तो ये मिक्सर जार में ये अभी पेस्ट बचा हुआ, तो इसमें थोड़ा सा मैं दूध डाल के इसका यूज़ कर लूँगी। और अच्छे से मिक्स करके इसे रख दूँगी। और जब हम इसे रखेंगे, अगर आपको लगता है बाद में ये सूजी फूल के गाढ़ी हो गई है, तो आप इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी या दूध मिला सकते हो। ये देखिए एक अच्छा पेस्ट तैयार हो गया है। तब मैं इसे ढक करके रख दूंगी लगभग 1 घंटे के लिए। मैंगो स्वीट पैनकेक बनाने के लिए हमने जो बैटर तैयार करके रखा था, 1 घंटा हो चुका है। इसे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा गाढ़ा है ये, तो थोड़ा सा मैं इसमें दूध डालूंगी। एकदम पतला नहीं बनाना है बैटर, थोड़ा सा दूध डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने ये जो बादाम लिए थे इसको बारीक काट लिया है, उसे भी डाल देती हूँ। इलायची हमने पहले ही डाल दी थी इसमें, तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये
देखिए इस तरह से रखेंगे मटर को। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने इसे एक घंटे के लिए रखा है, अगर आप तुरंत बनाना चाहते हो तो लगभग 10 से 15 मिनट के लिए पहले सूजी फूलने दीजिए, उसके बाद आप लगभग 1/4 चम्मच उसमें बेकिंग सोडा डाल करके बना सकते हो स्वीट पैनकेक या मीठा चीला। तो ये तैयार हो चुका है। ये देखिए मैंने तवा रख दिया है, गैस ऑन करा है और बिल्कुल कम आँच रखी हुई है, और ये मैंने जो देसी घी लिया हुआ था तो ये थोड़ा सा लगा दूंगी। छोटे छोटे मैं बनाऊंगी ऐसे को, देखिए अच्छे से फेंट लूंगी इसे और इसे डालूंगी। एकदम गरम तवे पे डालेंगे तो नीचे से चिपक सकता है, क्योंकि ये मीठा है इसमें चीनी भी है, तो ये थोड़ा सा मोटा भी बनाऊंगी मैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए इस तरह से छोटे छोटे बनाऊंगी और इसे धीमी आंच पे पकने देते हैं। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है, बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने मैंगो पैनकेक को पकाया है और इसका कलर चेंज हो गया है। चाहे तो आप इसमें बिल्कुल ऑयल फ्री बना सकते हो, लेकिन ये स्वीट डिश थोड़ी सी घी से अच्छी लगती है, तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें घी लगा रही हूँ। आप चाहे तो ना लगाएं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये चिपका नहीं है, क्योंकि इसमें चीनी भी डली हुई है, ये चिपका नहीं है। और अब मैं इसे पलट देती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है, आप इसे मैंगो मालपुआ भी कह सकते हो, जो डीप फ्राई भी नहीं है, क्योंकि हमें मालपुआ को डीप फ्राई करना होता है। अब बिल्कुल वैसे ही इसे धीमी आंच पे सेक लेंगे। चाहे तो आप इसमें अभी भी घी डाल सकते हो नीचे। अब देख सकते हो कि बीच में फूलने भी लगा है, ये बहुत ही अच्छे से सिक रहा है। ये देखिए आप देख सकते हो कि फूल रहा है, तो बिल्कुल धीमी आँच पर हमें सेकना है, क्योंकि ये कलर बहुत ही अच्छा है। अगर आप फ्लेम बढ़ा देते हो तो ये जलेगा। लगभग 2 मिनट और हो चुके हैं हमारे मैंगो पैनकेक को पकते हुए, तो मैं दूसरे साइड भी देख लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है, और ये देखिए ये बीच में से फूल भी रहा है, बहुत ही अच्छे से पक चुका है। ये देखिए मैं इसे दबा रही हूँ, रोटी की तरह फूल रहा है, इसका मतलब ये कि अंदर से ये पक चुका है। बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया, आप देख सकते हो सभी तरफ से पक गया है। देखिए बहुत अच्छा कलर आ चुका है इसका, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हो कि बहुत ही सुंदर कलर है, खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगता है, और इसमें ज़्यादा घी तेल की आवश्यकता नहीं होती इसे बनाने में। अगर हम मालपुआ बनाते हैं तो उसमें काफ़ी घी या तेल लगता है, और ये देख आपने देखा है कि मैंने बिल्कुल थोड़ा सा घी इसमें डाला है, और ये बहुत ही टेस्टी स्वीट पैनकेक तैयार हो चुका है। तो इसी तरह मैं और बना लेती हूँ, पर ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा अगर तवा गर्म हो गया है तो आप गैस ऑफ कर दीजिए। और फिर से मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी, क्योंकि इसमें चीनी है, तो कभी ऐसा ना हो कि तवा ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये चिपके। तो एक बार फिर से मिक्स करूँगी बैटर को और फिर से डालूंगी। मैं ये छोटे छोटे बना रही हूँ, चाहे तो आप बड़े भी बना सकते हो। और बिल्कुल हल्के हाथों से फैला लेंगे, अगर तवा ज़्यादा गर्म होगा तो नीचे चिपकेगा। तो अभी मैंने गैस ऑफ कर दिया है, ताकि पहले अच्छे से फैला लूँ, फिर धीमी आंच पे इसे पका लूँगी, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे पहले वाले पैनकेक को पकाया है। ये देखिए सभी तरफ अच्छे से फैला देंगे। ये थोड़े से मोटे मोटे बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगते हैं, सॉफ्ट रहते हैं ज़्यादा देर तक। ये देखिए बस इसी तरह धीमी आंच पे पकने देंगे। इसी तरह मैं पैनकेक तैयार कर लेती हूँ।
हमारे मैंगो पैनकेक बनके तैयार है खाने के लिए। आप देख सकते हो कि देखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं, और मैंने इसे ग्रेटेड कोकोनट से गार्निश किया और साथ में आम के पीस भी रखे हैं, तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अब मैं इसमें ऊपर से शहद डालूंगी, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी मैंगो पैनकेक की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जैसे हम मालपुआ बनाते हैं तो उसमें सौंफ डालते हैं, तो ये भी एक मैंगो का मालपुआ है, तो आप इसमें भी सौंफ डाल के देखिए, टेस्ट और भी बढ़ सकता है। और आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि मैंगो पैनकेक आपको कैसे लगे, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।